CRM स्कीम फसल अवशेष प्रबंधन के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का ड्रोन निकाले जाने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बीते दिवस CRM स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, पैडी स्ट्रॉ चैपर, स्लेडर, मल्चर का खंडानुस ड्रोन निकाला गया था। इसके लिए विभाग को लगभग 11,000 किसानों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से जिले के लगभग 1432 किसानों को इस ड्रॉ के तहत लाभ मिला है। ड्रॉ द्वारा मिले कृषि यंत्रों को लेकर किसानों में भी उत्साह देखने को मिला। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा इस तरह की जो योजना चलाई जाती है वह किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। ड्रॉ निकाला गया है, ये CRM स्कीम के तहत निकाला गया है, जो अपना पराली प्रबंधन के लिए 8 प्रकार के कृषि यंत्र किसानों को दिए जा रहे हैं। और ये कृषि यंत्र हैं, SMS सिस्टम है, हैप्पी सीडर है, चॉपर है, रिवर्सिबल प्लो है, रोटावेटर, जीरो ड्रिल, रोटरी स्लैशर। ये 8 किस्म के कृषि यंत्र हैं जो पराली प्रबंधन के काम आते हैं। तो हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडिविजुअल फार्मर्स की जो आई थी, वो हमारे पास 1432 को दिया जाना है। 1432 का लक्ष्य है इम्प्लीमेंट्स का हमारा, और 10,927 टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। और विभागीय दिशा निर्देशों अनुसार रोटावेटर, जीरो ड्रिल और चॉपर, इन इम्प्लीमेंट्स का ड्राफ्ट लॉट्स कर किया जाना था। और बाकी जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं डिपार्टमेंट के पास, बाकी कृषि यंत्रों के जो 5 प्रकार के हैं, उनको सबको हमने ये कृषि यंत्र आवंटित करने हैं। उनके सबके परमिट जारी कर दिए गए हैं, और 26 तारीख को 3 अपने इम्प्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताया, जीरो ड्रिल, रोटावेटर और चॉपर का ड्रॉ निकाला गया। और इसमें हमें जो ड्रॉ निकाला गया उसकी परमिट भी हमने जारी कर दिए हैं, और 5 तारीख लास्ट डेट है बिल जमा करवाने की। तो आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को भी निवेदन करूंगा कि वो अतिशीघ्र अपने बिल जमा करवा दें, ताकि उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के पश्चात उनके खातों में हम सब्सिडी डलवा दें। ये कृषि यंत्र हैं, इन पर 50% सब्सिडी CRM स्कीम के तहत दी जानी है। और जो कस्टम हायरिंग सेंटर जो बनाने हैं, 89 का हमारा लक्ष्य था, और 61 एप्लीकेशन हमारे पास आई, उन सभी को हमने परमिट जारी कर दिए हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स के। और उन पे जो 8 प्रकार के ये कृषि यंत्र हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर में दिए जाने हैं, उस पे 80% सब्सिडी दी जानी है। देखिए, पिछले साल में भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हुआ, फार्मर ये जान चुका है कि इसका हमारी ज़मीन को भी नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान तो है ही है, तो वो ये काफ़ी समझ चुका है। और पिछले साल भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका पराली प्रबंधन इन कृषि यंत्रों से किया था, और अब उनको ये तो पक्का हो चुका है कि इन कृषि यंत्रों की मदद से पराली प्रबंधन किया जा सकता है। तो मैक्सिमम इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम पराली को आग ना लगने दें, ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को आग से जलने से बचाने की कोशिश की जाए। ये स्कीम बढ़िया है जी, जो भी जिम्मेदार अपने आप ले नहीं ले सकता इम्प्लीमेंट, उसको 50% सब्सिडी मिल जाती है जी। उसमें आधे पैसे खर्च करने पड़ते हैं जी, ये बेनिफिट मिल जाता है जी। रोटावेटर और जीरो ड्रिल निकली है जी, कणक की बिजाई के लिए और धान के लिए, जैसे अवशेष नहीं जलाते उसके लिए रोटावेटर की जरूरत पड़ती है जी, कुतरा करने के लिए, ये बेनिफिट होगा जी। ऐसे सीधा 50% तो बेनिफिट है ही, इसमें 50% दे रही है सब्सिडी, वो तो बेनिफिट है ही है। जो नहीं ले सकता फुल पेमेंट करके, उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है जी। जी सुविधा तो होती है जी इसके लिए, जो सरकार दे रही है सब्सिडी दे रही है किसान के लिए ही है जी, मिलनी चाहिए जी सब्सिडी। मैं तो ये कहूँगा भी जैसे बेलर वगैरह उसके ऊपर भी आनी चाहिए जी सब्सिडी, जो अवशेष ना जलाने पड़े इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे बेलर हो गया, हैप्पी सीडर पे तो है ही है, हैप्पी सीडर मैंने पहले ले लिया जी, इसलिए भी जो भी रह रहा है मेन बेलर पे आनी चाहिए सब्सिडी।